तो गाइस आज का दिन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बाकी गेमों को साइड रखकर खेलने जा रहे हैं इजी गेम। जी हाँ, इजी गेम। अब ये गेम नाम से ही इजी है, नहीं मतलब सच्चे में इस गेम का नाम ही इजी है। अब खेल के पता चलेगा कि आखिरकार ये खेलने में कितनी इजी है या फिर कितनी हार्ड है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तक। मतलब ये देख पा रहे हो ना ग्राफ, 30% लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब करा है, 70% बंदे बस वीडियो देख के चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब का बटन तो भैया देखो दबाना पड़ेगा। एक सेकंड, थोड़ी नकली वाली थी, गलती है वैसे कभी कभार हो जा। हाँ एक मिनट, फटाफट से जाओ सब्सक्राइब का बटन दबा दो, दबा दो। नहीं चलती। ओके, विच वन इज अ वैम्पायर, इन तीनों में से वैम्पायर कौन है? तो ये कह रही है, अच्छा देखो इन तीनों पर ना यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ब्लड लगा हुआ है, तो ये कह रही है पेंटिंग कर रही थी इसलिए इसके रेड ब्लड लग गया। और ये कह रही है कि वाइन गिर गई है एंड इसने अपनी उंगली काट ली। वैसे उंगली इसकी कटी हुई नहीं नजर आ रही है मेरे को, सारी उंगली एकदम ओके है। तो ये वैम्पायर, अच्छा नहीं है वैम्पायर, ओके। ओ भाई साहब, ये क्या है? मतलब कि इतना ये भाई सच्ची में हार्ड होता जा रहा है। एक बार इसके पैरों को आप लोग देखो, इन दोनों के पैरों को देखो, आपको समझ आएगा। पीछे शैडो जा रहा है उस पैरों के, लेकिन इसका शैडो नहीं है, तो यही वैम्पायर है। ओ भाई भाई, लेवल 3 में इन्होंने हमसे पूछा है हु इज सिलियर। अगर देखा जाए पहले पता तो करे आखिर ये कर क्या रहे हैं। तो देखा जाए तो दोनों नहा रहे हैं बाथ टब में एंड इसने अपने बाल भीगने से बचा रखे हैं और इसके बाल भीगे हुए बार बार सुखाए जा रही है तो ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा वेस्ट कर रही है। तो लेकिन मैंने जैसे कहा था जो दिखता है वो होता नहीं, पर अभी मैं उसी के साथ जाने वाला हूँ, जो दिखता है वही होता है कभी कभार। ओके, तो एक ही बार में ठीक, लो भाई पार कर दिया। लेवल 4 पजल सॉल्व करना है बस। ओके, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये लिप्स हैं शायद से, वैसे हाँ लिप्स ही है, तो बहुत ईजी था। लो भाई इतना ज्यादा आसान कि ओके पार होगा, ठीक है। लेवल 5 ग्रो अ फ्लावर। ओके, तो बादल आ रखे हैं, इन बादल को हटा दूंगा तो शायद से फ्लावर। ओह भाई सब। लेवल 6 फाइंड द डॉग, हमें इस पिक्चर में डॉग को ढूंढना है और लग रहा है भाई इजी गेम धीरे धीरे हार्ड गेम में कन्वर्ट होता जा रहा है। ओके, तो भाई यहाँ पर एक तो सारी की सारी कैट अलग अलग कलर की अलग अलग पोज देकर बैठी हुई है, तो समझ में। ओ एक सेकेंड, मेरे को डॉग दिखा, अच्छा ये भी कैट है, अच्छा ये क्या है। ओ गाइस फाइनली हमने डॉग ढूंढ दिया, यही वाला था, येलो वाला। चलो लेवल 7 हु इज द फादर ऑफ दीस किटन्स, तो ये दोनों किटन्स हैं और हमें इन दोनों के फादर को ढूंढना है कि इन चारों में से इसका रियल फादर। ओ एक सेकंड, इन दोनों का कलर ब्लैक एंड ग्रे है और इसका भी कलर ब्लैक एंड ग्रे है, तो क्या पता ये। ओ भाई बिल्कुल सही। लेवल 8 प्लेस द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर, भाई ये तो काफी सिंपल लग रहा है क्योंकि इसमें एक कॉफी सी बन रही है, तो सबसे पहले आना चाहिए ये कॉफी का मतलब पाउच, उसके बाद ये तो 4th पर आएगा जब बन गई है, उसके बाद यहाँ पानी डालना है फिर इसको। ओके चलो गाइस ये भी पार। मुझे लग रहा था इजी गेम हार्ड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ रहे हैं ये गेम और ज्यादा इजी होता जा रहा है। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, 3 है, 1 2 3। ओके, ओ हम लोग भूल गए, जो दिखता है वो होता नहीं है, मतलब कभी कभार हो जाता है बट नहीं होता। तो भी फिलहाल यहाँ पर 3 एप्पल्स तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पर एक एप्पल वर्ड भी लिखा हुआ, क्या पता इसे भी काउंट कर रहे हो, तो 4 एप्पल भी नहीं है भाई, फिर और कितने हैं इसमें, क्या पता ये तीनों ही एप्पल ना हो, ये ग्रीन एप्पल है। ओके, अच्छा तीनों एप्पल ही है। 1 से लेकर 10 तक की गिनती के तुक्के भेड़ देता हूँ, कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा, लेकिन नहीं यार ऐसे पार नहीं करना है, एक मिनट रुक जाओ। ओ भाई साहब ये देखो, हम लोग इनको मूव भी करा सकते हैं और अभी ये 6 एप्पल हैं टोटल। ओके, तो यहाँ पर ये 6 एप्पल, 6 भी नहीं है, हेलो। और अच्छा ये और भी मूव हो गए क्या ये तो। ओके, ओ भाई साहब छोटा सा एप्पल हो रहा है और ये भी मूव हो रहे हैं कि नहीं। ओके, तो ये फाइनल है, तो अभी टोटल कितने एप्पल हो गए, 7 हो गए। ओ भाई साहब इजी गेम लग रहा है भाई, सही में हार्ड हो जाएगा। लेवल 10 फाइंड द लार्जेस्ट स्नोमैन, इन पांचों में से सबसे बड़ा तो मेरे को यही लग रहा है, तो ये लार्जेस्ट नहीं है। अच्छा इनको भी मूव करा देते हैं, फिर इनके पीछे क्या पता कोई छुपकर बैठा हो। एक सेकेंड भाई, यहाँ पर तो मेरे को, ओ ये जुड़ गए, हेलो भाई सब ये सारे के सारे जुड़ गए, ये है लार्जेस्ट। ओ भाई ये क्या था। लेवल 13 फाइंड द कैट, वैसे भाई ये मेरे को सच्ची में थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन वाला पिक्चर है भाई, ये सारे के सारे आउल है वो भी अलग अलग कलर के और उसमें से मेरे को कैट ढूंढना है यार, रुक जाओ। नहीं यार मैं नीचे से देखता हुआ आता हूँ, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ओ ये नहीं कैट। ओके चलो फाइनली गाइस हमने कैट को ढूंढ लिया, अलग ही पता चल लिया भाई उसकी क्योंकि चोंच नहीं थी। लेवल 14 क्रॉस द रिवर, इस बंदे को ये रिवर पार करनी है, वैसे इतनी गहरी भी नहीं लग रही, पैदल ही जा सकता है छोटी सी छलांग मार के, लेकिन ये ले काम करते हुए स्विमिंग ट्यूब ले जा डूबने का, अच्छा ये छोटे बच्चों के पहन नहीं पाएगा। ओके तो लेकिन ये इसका क्या यूज है भाई,
इसको ये ले माइनक्राफ्ट की तरह जमीन तोड़ दे, अपने आप पानी सारा नीचे चले जाए, वरना ये ले माइनक्राफ्ट की तरह बकेट ले जा, सारा पानी भर ले इसमें, ये भी नहीं हो पाएगा। तो फिर ये जाएगा कैसे? अच्छा इसको उठा के उधर, इसी को उठा के उधर रख देता हूँ। अच्छा इसको उठा के भी नहीं रख सकते, वाह। तो फिर क्या करें? ओह एक सेकेंड, ये क्या हुआ भाई साहब? मैं सोच रहा था पानी को खिसकाते हैं लेकिन पूरी जगह ही अलग हुई, ब्रिज आ गया। भाई साहब कुछ भी हो जाता है इस गेम के अंदर। अगला लेवल है वो इज द स्मार्टेस्ट। अच्छा भाई, तो एक पेड़ के ऊपर चार बंदे चढ़े हुए हैं और जिसमें से भाई एक बंदा यार मैकडोनल्ड का बर्गर खा रहा है, सबसे ज्यादा तो स्मार्ट ही है। ये लोग अपना तीनों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनको भी जाकर लेकर आना चाहिए, आराम से इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, एंजॉय करेंगे। बट नहीं गाइस, ये देखो वो बेचारा बर्गर खा रहा है और ये उसे एंजॉय नहीं करने दे रहा, उसकी जो टहनी है उसे वैसे ऊपर करने क्या गया भाई बर्गर लेकर, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा भाई। आराम से जमीन पे बैठ के खा पेड़ की छांव के नीचे। और ये देखो भाई उसकी टहनी काट रहा है ताकि वो नीचे गिर जाए, और ये उससे भी ज्यादा चालू है, ये उसकी भी टहनी काट रहा है ताकि वो भी गिर जाए, और ये तो अलग ही पागल है भाई, ये अपनी ही टहनी काट रही है, उसको काट देगा वहां से तो खुद ही नीचे आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए सबसे ज्यादा स्मार्ट ये होना चाहिए। बट एक बार इधर उधर खिसका लेते हैं भाई स्क्रीन, पता चला बगल में तीसरा बंदा एक और खड़ा होता जो जमीन पे आराम से दरी बिछा कर बैठ के खा रहा हो, लेकिन नहीं है, सब मूव नहीं हो रहा। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, इसने काटा वो तो पागल था, मेरे को पता था। लेट्स गो गाइस, लेवल 17, प्लेस द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले अगर देखा जाए हमें अपने हाथ धोने चाहिए, उसके बाद एक सेकेंड, अच्छा इसने मास्क उतारा भी है क्या, पता नहीं। हाँ नहीं नहीं, उसके बाद हमें मास्क लेना है, उसे ऐसा लगाना है फिर पहनना है। अब एकदम ओके है भाई, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा तीन ही ओके दिखा रहा है, तो फिर ये ले ले। ओके ओके हाँ ठीक है, पहले उसे लगाना है फिर उसे ऊपर करना है भाई, ये ध्यान रखो। लेवल 18, गेस द कार्ड। हमें बताना है कि ये जो मैजिशियन है इसके हाथ में कौन सा कार्ड है। वैसे मैजिशियन ही है, इसको बताना चाहिए हमारे हाथ में कौन सा कार्ड है। चलो कोई नहीं, उल्टा काम चल रहा है यहाँ पर। हाँ तो यहाँ पर इक्का तो इस पर नहीं होगा, किंग कर देखते हैं। लो भाई गलत गेस करा है हमने, बट हमें कैसे, ओ ये क्या हुआ, एक सेकेंड इस लेवल को मैं दोबारा, ये मैंने तुक्के से पार करा भाई, मेरे को नहीं पता कि जे क्यों था। हाँ तो गाइस मैं वापस से लेवल 18 में आ चुका हूँ और मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, कहीं इसके ऊपर तो कुछ जे। ओ भाई साहब ये देखो, ओ ओ भाई स्क्रीन मूव हो सकती थी और हमने वैसे वाला भी आंसर तुक्के में दे दिया। लेवल 19, हाउ मेनी फैसेट्स डज दिस डायमंड हैव। ओके तो हमें बताना है आखिरकार इस डायमंड के कितने फैसेट्स हैं। तो अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 होने चाहिए और मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 7 या 14। तो हाँ बाकी उस साइड पर भी होंगे, बट 7 तो नहीं होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, 1, 2, 5 या 4 कुछ होने चाहिए, बट अपने पास ऑप्शन दो ही है तो मैं 14 कर देता हूँ। ओ भाई साहब 14 भी नहीं है, 7 ही होंगे फिर, क्या पता। चलो ओ 7 भी नहीं है भाई, ये भी मूव भाई, कभी कभी आइटम मूव होता है कभी नहीं होता, तो ये टोटल 13 होंगे भाई भाई भाई। चलो कोई नहीं, जैसा मैंने सोचा था ना कि 4 और होंगे, वो भी गलत होता क्योंकि 6 और थे। लेवल 20, चूज अ डोर एंड स्टे अलाइव। तो इन तीनों दरवाजों में से हमें कोई एक दरवाजा चूज करना है और अपनी जान बचानी है। तो डोर नंबर 1 जो है उसमें लिखा है अ मर्डरर इज बिहाइंड दिस डोर। ओके तो इस दरवाजे के पीछे कोई खूनी है, लेकिन हमें बेमतलब में तो मारेगा नहीं। डोर नंबर 2 पर लिखा है लायन दैट हैजंट ईट इन अ ईयर इज बिहाइंड दिस डोर। ओके और डोर नंबर 3 पे लिखा फायर इज बिहाइंड दिस डोर। वैसे एक सेकेंड, ये मेरे से स्कूल में मेरे एक दोस्त ने पूछा था, अगर इस गेट के पीछे एक शेर है और उसने एक साल से कुछ नहीं खाया तो सीधी सी बात है वो जिंदा नहीं होगा। तो यही वाला गेट एकदम, पर ये देखो भाई कंकाल पड़ा हुआ है पीछे। भाई बिल्कुल सही था अपना आंसर।